हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आपका फिर से एक बार मलकीत वाईटी ब्लॉग में स्वागत है। और पहले हम गए थे मुगल सराय करनाल के अंदर, और आज हम आए हैं हरियाणा पानीपत के अंदर। और आज हम देखते हैं कि हमें इतिहास से जोड़ने के लिए क्या चीज़ मिलती है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आप जो ये मेरे पीछे ईंटों से बना हुआ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है भारत में जब लोधी वंश था और लोधी वंश के अंतिम शासक या तीसरे शासक इब्राहिम लोधी की कब्र। जो कब्र है ये पहले यहाँ पर नहीं थी, ये NH1 पर पड़ती, जो 1866 में अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पर बनाई गई थी। जो ये ईंटों से बना हुआ, जो लाखोरी ईंटों से बनी हुई ये स्ट्रक्चर है, ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनवाई गई थी। लेकिन ये स्ट्रक्चर जो उस समय मुग़ल काल में जो उनकी स्थापत्य कला थी, बगीचे के बीच में मकबरों को बनाने की एक कला थी, उसी को देखते हुए अंग्रेज़ों के द्वारा इस कब्र का तो आप देख सकते हो। ये जैसे हमने पहले कई बार देखा, मुग़ल काल में जितनी भी इमारतें बनी हुई हैं वो लाखोरी ईंटों के द्वारा बनी हुई हैं, लेकिन उसमें चूना पत्थर का ज़्यादा यूज़ भी किया गया है। लेकिन इसमें आप देख रहे हो लाखोरी ईंटों से ही सब कुछ बनाया हुआ है। तो इब्राहिम लोधी तीसरा एवं अंतिम शासक था लोधी वंश का। और जब ये 1517 ईस्वी में लोधी वंश का शासक बना तो उस समय आई जलाल खान को जौनपुर का एरिया दिया गया, लेकिन वो भी दिल्ली का शासक बनना चाहता था, जिसके चलते इनके बीच में मतभेद हुआ। और इसके चलते इनकी क्रूर नीतियों के कारण राज्य में कई जगह इनका विरोध हुआ, और जिसमें से एक थे मेवाड़ के शासक राणा सांगा और इनके बीच में जो मतभेद था, उन कारणों से 1518 ईस्वी में उनके बीच में एक भयानक युद्ध हुआ। जिस युद्ध में इसमें ना तो राणा सांगा की विजय हुई और ना ही इब्राहिम लोधी की। युद्ध के बाद मेवाड़ के शासक राणा सांगा को इस बात का एहसास हो गया था कि वो अकेला इब्राहिम लोधी को नहीं हरा सकता, इसीलिए उसने अफगान के शासक बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। और उन्होंने उनसे कहा कि जब आप दिल्ली पर आक्रमण करोगे तो आपको मेवाड़ के शासक का पूरा सहयोग मिलेगा, और जिसके चलते आगे जाकर बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण करने का प्लान बनाया और उसने दिल्ली पर विजय भी प्राप्त की। बाबर जो कि अफगान काबुल से भारत के अंदर आया था, तैमूर और चंगेज खां का वंशज था। जब 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ तो मात्र 6 घंटे में बाबर की 20,000 सेना ने इब्राहिम लोधी की 5 गुना सेना को हरा दिया। इब्राहिम लोधी और ग्वालियर के शासक विक्रमाजीत की मृत्यु युद्ध के दौरान ही हो गई थी। और इसके बाद पंजाब के जो सूबेदार थे दौलत खां, वो इब्राहिम लोधी की तरफ से सेना लेकर आए थे, उनका कुछ कारणों से उन्होंने इब्राहिम लोधी की तरफ से युद्ध नहीं किया और वो बाबर की सेना की तरफ से युद्ध किया, जो इब्राहिम लोधी की हार का एक मुख्य कारण। ये मकबरा है, ये पूरे बगीचे के बीच में बनाया गया है। और इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा भी है जहाँ पर युद्ध से संबंधित जो तोपें थी बाबर के द्वारा, जो पानीपत की लड़ाई एक पहला ऐसा युद्ध था जिसमें उन्होंने तोप बारूद का यूज़ किया था। इब्राहिम लोधी के पास भी बारूद था लेकिन उसके पास उन्हें चलाने के लिए तोपें वगैरह नहीं थी। तो यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जो हमें इतिहास से जोड़ेगा, और उस पॉइंट पर मैं आपको लेके चलूँगा और वहाँ पर आगे के इतिहास के बारे में हम जानेंगे। और जितने भी हमने ऐतिहासिक स्थलों का निरीक्षण किया है या हमने वहाँ पर जाके देखा है, उनमें सबसे बढ़िया यहाँ पर पार्क की जो मैनेजमेंट है, सफाई वगैरह सबसे बढ़िया की हुई है। और यहाँ पर अगर आप कभी आओ तो यहाँ पर देखोगे कि ये अपने पूरे निर्धारित समय पर खुलता है और निर्धारित समय पर बंद होता है। जो ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये तोप और ये दो जो सैनिक खड़े हैं, इन्हें बाबर की सेना के सैनिक कहा जाता है। और ये उनकी सेना के साथ काबुल से ही उनके साथ आए थे। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के सफल होने का मुख्य कारण था, बाबर ने युद्ध को एक धार्मिक नारा दे दिया था, जिसके कारण बाबर अपने पानीपत के प्रथम युद्ध में इतनी अच्छी तरह और इतने कम समय में सफल रहा।
और बाबर को इसी पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के बाद उन्होंने एक पूरे काबुल में सिक्के बंटवाए थे, जिसके कारण उन्हें कलंदर भी कहा जाता है। और इसके बाद बाबर ने 2-3 युद्ध जो यहाँ पर लड़े और उसके बाद मुग़ल साम्राज्य भारत में काफ़ी लंबे समय तक शासक किया और मुग़ल साम्राज्य को भारत का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। और लोधी वंश में शुरू से ही इतना राजनीतिक उथल पुथल थी जिसके कारण लोधी वंश काफ़ी कम समय तक चल पाया। इब्राहिम लोधी एक क्रूर शासक के रूप में भी जाना जाता है। यह एक वीर योद्धा था, परंतु बिना सोचे समझे निर्णय लेने वाला शासक था। इब्राहिम ने पुराने एवं वरिष्ठ सेना कमांडरों को अपने वफादार नए सेना कमांडरों से बदल कर दरबार के नवाबों को भी नाखुश कर दिया था, जिस कारण अफगानी दरबारियों ने भी बाबर को काबुल से भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। अगर हम इब्राहिम लोधी की कब्र की बात करें तो उसे अंग्रेज़ों द्वारा जीटी रोड से यहाँ पर बनवाया गया, लेकिन वहाँ पर विक्रमाजीत की कब्र भी थी जिसे वहाँ से तुड़वा दिया गया और कहीं नहीं बनाया गया। तो दोस्तों, देखिए पार्क अपने आप में कितना सुंदर है। इसमें एक तरफ बच्चों के लिए झूले लगाए हुए हैं और दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी, जो कि लोधी वंश के तीसरे शासक थे, अंतिम शासक भी कह सकते हो, उसकी कब्र है। और कब्र अभी तक जैसे बनी थी वैसी की वैसी है, क्योंकि पहले जिस चूना का प्रयोग किया जाता था वो इतना बढ़िया होता था कि जितनी बारिश होगी उतना ही वो मजबूत होता चला जाएगा। देखिए अब भी ये चूने की जो इसके ऊपर लेप किया हुआ है वो आज भी ऐसे का ऐसा ही दिखाई दे रहा है। और ये यहाँ पे जो सामने ये वाइट पत्थर लगाया हुआ है, इसके ऊपर उर्दू में इब्राहिम लोधी के बारे में लिखा हुआ है और ये आज भी कितना अच्छे से चमक रहा है। आप उस समय की स्थापत्य कला का इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो। और कब्र का थोड़ा बहुत हिस्सा टूट गया है, क्योंकि इन्हें भारत के आज़ाद होने के काफ़ी समय बाद संरक्षण प्राप्त हुआ और उसके बाद ही इनकी देखभाल हुई। और जो भी मुग़ल काल में कब्रें बनी उनमें पुरुष की और महिलाओं की कब्र का डिज़ाइन अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे अकबर की कब्र अलग है और अकबर की जो बेटियों की उसके पास ही कब्र है वो अलग तरीके से बनाई गई है। और ये इसका पीछे का हिस्सा है, इसका थोड़ा दीवार भी टूटी हुई है। वैसे तकरीबन ये ओवरऑल अच्छी कंडीशन में है। आज हमने इतिहास के बारे में देखा और सुना। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।